अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी पर। मैं आपके साथ गुफरान बिन याकूब कासमी, धौराला लखीमपुर। बकरीद के नाम पर करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देना गुनाह। गुस्ताख वसीम रिजवी का एक झगड़ालू बयान। अपने झगड़ालू बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाला शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी का एक बार फिर झगड़ालू बयान सामने आया है। वसीम रिजवी ने अब मुसलमानों के दूसरे सबसे बड़े त्योहार ईद उल अजहा पर एतराज करते हुए कहा है कि बकरीद के नाम पर करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देना गुनाह है। झगड़ालू बयान से वसीम रिजवी का रिश्ता पुराना है। इससे कबल इस गुस्ताख ने कुरान पाक की मुंतखब आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने इसकी शरीफ भी की थी। अब इसने ईद उल अजहा पर एतराज किया है। उसने कहा, नऊज बिल्ला, ईद उल अजहा के नाम पर दुनिया में एक साथ करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देना एक गुनाह है। जी नाज़रीन इकराम, आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर लिखिए गुफरान बिन याकूब कासमी, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर लिखिए गुफरान बिन याकूब कासमी, हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।